हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव बनीचियान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर से होने वाली परचेज को कहां पर शो करेंगे, किस तरीके से आपको इनकी रिपोर्टिंग करनी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आपको लॉगिन कर लेना है, जो आपका पैन कार्ड है उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है, और जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या शेयर्स हैं उनकी जो परचेज की डिटेल्स है और सेल्स की डिटेल्स है वो आपके जो भी ब्रोकर्स हैं, जिस भी डीमैट अकाउंट के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू आप जो है इस ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वहां से आपको स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है। सेकेंड, एक और तरीके बताऊंगा कि कहां से आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। पहले मैं यहां लॉगिन कर लेता हूं पैन कार्ड के थ्रू। तो यहां पर जो है मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मैंने AIS यहां पर ओपन कर लिया है। AIS में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि जो आपकी परचेज है सिक्योरिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स वो कितनी है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स की परचेज है, जो आपकी शेयर्स की परचेज है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करती है। अब हमें जो डिटेल्स है अपनी ITR में हम फाइल करेंगे, तो इसका पॉइंट आता है कि क्या सर ये ITR में दिखाना जरूरी है। तो देखिए, सेल के केस में जो है, जब भी आपकी सेल आ रही होगी तो उस केस में जो है ये फाइलिंग करना मैंडेटरी है। जब भी आप शेयर से म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो उस केस में जो भी आपके कैपिटल गेन्स आ रहे हैं, या अगर आप जो FNO में ट्रेडिंग करते हैं, उसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग की हुई है, तो आपके जो डीमैट स्टेटमेंट में जो भी आपके प्रॉफिट है लॉस आ रहे हैं उसको आपको ITR में दिखाना मैंडेटरी होता है। परचेज के केस में होता है कि जो आपकी एसेट या लायबिलिटी है आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको जाना है। यहाँ पर हम जो है ये जो डिटेल्स है हम ITR 2 या 3 में शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर जो है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा ITR 2। जो ऑप्शन ITR 2 में है सेम ऐसे ऑप्शन ITR 3 में भी दिया गया है। ITR 1 के केस में ये ऑप्शन आपके पास एनेबल नहीं है। हाँ, ITR 4 में आप जो है अदर एसेट्स के अंडर में जाकर दिखा सकते हैं। पहले मैं आपको ITR 2 में दिखा देता हूँ कि जो परचेजेज है वो आप कहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो ITR 4 है उसमें बिजनेस से रिलेटेड डाटा जो आपका अदर एसेट्स में आता है वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें पहले ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। अगर आपकी इनकम जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो कि 2.5 लाख है, उससे ज्यादा है तो पहला ऑप्शन लेना है, उससे कम है तो अदर यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीजें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है इनकम की डिटेल्स आएगी। जो भी आपकी प्रॉपर इनकम्स हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियोज बनाए हुए हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके लिए डिटेल्ड वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ कि जो डिटेल्स है जहाँ पर आपको ये एंटर करनी है डिटेल्स आपकी जो म्यूचुअल फंड या फिर शेयर से परचेज आ रही है। उसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसको भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए, इस वाले टैब में आपको आना है, यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल एसेट एंड लायबिलिटीज, इस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। इस टाइप से आपके सामने ये काफी सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे कि आप जो है ओल्ड में फाइल करना चाहते हैं, न्यू में फाइल करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आपको जिसमें ज्यादा बेनिफिट हो आप उसमें ITR फाइल करिएगा। और जो सैलरीड वाले पर्सन है या ये कह सकते हैं कि जो अदर देन बिजनेस वाले ऐसे हैं उनके लिए हर साल ये उनको छूट मिली हुई है, वो एक बार जो है न्यू टैक्स रीजन में जा सकते हैं, बाद में ओल्ड में भी जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है हम एसेट एंड लायबिलिटी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो मेरी परचेजेस है, देखिए यहाँ पर जो है मुझे फ्रंट में मुझे परचेज यहाँ पर टोटल आ रही है मेरी परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज। तो इस केस में जो है म्यूचुअल फंड्स ही हैं, शेयर्स नहीं है, तो यहाँ पर हम ये वाली जो परचेज है यहाँ पर ITR 2 में शो करेंगे। तो यहाँ पर जो है एड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर लेना है। पहली जो डिटेल्स है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आप यहाँ पर वन बाय वन करके ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाना इसलिए बेटर रहता है कि कल या जब आप ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस केस में जब कैपिटल गेन आता है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी जो परचेज की डिटेल्स है वो गलत दिखाई दे रही है, आपने परचेज कभी रिपोर्ट नहीं की, या फिर आपने जो है इतने रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज कर ली है और आपने जो है इसको ITR में डिक्लेयर नहीं किया। आपकी जो इनकम है वो तो 5 लाख से कम है, आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया 1 करोड़ रुपए की, तो उस केस में आप यहाँ पर दिखा देंगे कि जी इतनी तो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है और उसके अगेंस्ट में ये आपके लोन चल रहे हैं। यहाँ पर ही इस वाले सेकंड वाले में काफी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का। यहाँ पर आपको ये वैल्यू शो करनी है जो हमने यहाँ पर देखी थी 5699 इस केस में आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये शो कर देंगे। देन उसके अलावा जो आपकी बैंक की डिटेल्स है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज, लोन्स एंड एडवांसेस जो कि आपने दिए हुए हैं, कैश इन हैंड जो भी आपका बैलेंस है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ज्वेलरी दिखा सकते हैं, व्हीकल्स दिखा सकते हैं, और इनको लेने के लिए इनके अगेंस्ट में जो आपके लोन्स हैं लाइबिलिटीज वो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये शेड्यूल फिल करना होता है और इसी के अंडर में आप जो है सेल्स की म्यूचुअल फंड्स की जो परचेज है वो यहाँ पर दिखाते हैं।
इसके अलावा मैंने आपको जो है प्रॉपर्टी की भी बता दिया कि प्रॉपर्टी परचेज आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में जो लोन लिया हुआ है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो नोटिस आने के चांस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ये था लेटेस्ट वीडियो, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियो ITR 1, 2, 3, 4, 5, इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस, AIS, 26AS, सब पर यहाँ पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है। GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियो है, यूट्यूब पर या गूगल पर आप सर्च करेंगे सी अपनी चैनल के नाम से चैनल आपको मिल जाएगा। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए